इंडिया की सॉवरेनिटी कहां लाई करते हैं? भारत एक संप्रभु देश है, लेकिन संप्रभुता जो है भारत के लोगों में निहित है। सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन एक मजे की बात यह है, जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ तो उसके लिए जो संविधान सभा चुनी गई थी वो संविधान सभा भारत के सब लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई थी। उस समय जो प्रिवेलिंग लॉज थे उसके हिसाब से जिन लोगों को, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो ग्रेजुएट थे, जो टैक्स पे करते थे, इस तरह से जो उस समय के लॉ के हिसाब से जो 8-10% लोगों के पास वोटिंग राइट था, उन्हीं के द्वारा उस समय जो प्रोविंसेस थे, यानी कि उस समय के राज्य थे जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, वहां के लिए सरकारें और विधानसभा चुनी गई, और वहां जो विधानमंडल थे वहां से इनडायरेक्ट रूप से भारत की संविधान सभा के लिए मेंबर चुने गए। रियासतें थी तो रियासतों से भी नॉमिनेशन और इलेक्टेड मेंबर्स आए और उन सब ने मिलकर के भारत का संविधान बनाया। जब भारत का संविधान बना तो उसमें दो खास बातें ये हुई कि एक तो संविधान सभा ने कहा कि अडल्ट सफरेज का जो कंसेप्ट लेके आए कि हर वो व्यक्ति जो बालिग है 21 वर्ष का है, शुरू में 21 वर्ष का था, बाद में राजीव गांधी के समय में 18 वर्ष जो है वोट डालने की एज कर दी गई, तो उस समय माना गया कि 21 वर्ष की उम्र का हर व्यक्ति, भारत का जो सिटीजन है वो हर नागरिक, उसके पास वोट डालने का अधिकार होगा और जो सरकारें चुनी जाएंगी उसी वोट के अधिकार से चुनी जाएंगी। इसके अलावा जो संविधान जब अपनाया गया तो उसकी लाइन भी है, ये नहीं है कि हम संविधान सभा या जो चुने हुए लोग भारत के संविधान को अपना रहे, उसमें कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव्स टू आवरसेल्व्स, तो हम भारत के लोग अपने को, अपने आप को ये संविधान समर्पित करते हैं, तो इसलिए वी द पीपल इंपॉर्टेंट है और सॉवरेनिटी जो है दैट लाइज इन टू द पीपल ऑफ इंडिया।